दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 59 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सी वो एप्लीकेशन है और अगर आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल्ड है तो उसे जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस ने हमें कितना परेशान करा है और चाइना ने हमें कितना ज़्यादा परेशान करा है और रिसेंट में बॉर्डर पे चाइना ने हमारे साथ क्या करा है, तो उसका जवाब देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि भाई हमारे फ़ोन में अभी भी इंस्टॉल्ड है और हम उसे यूज़ भी कर पा रहे हैं, हम टिकटॉक भी चला पा रहे हैं, हम शेयर भी चला पा रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैसे बैन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपकी जो नेट आपको जो प्रोवाइड करते हैं ISP, उन्हें हम ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो इन एप्लीकेशन को बैन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बोल दिया है कि आपकी जो सर्वर है, जो आप उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन सर्वर को बैन कर दीजिए। तो अगर आप टिकटॉक को ओपन करेंगे तो वहां पे रिकनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर लिखा आएगा कि ये साइट ब्लॉक कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बड़े टाइम बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि वो सर्वर नहीं चल रहा है उस एप्लीकेशन का, तो आपको फोर्सफुली उसे अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके स्क्रीन पे वो सारे 59 एप्लीकेशन दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करें, उन एप्लीकेशन को देखें कि आपके फोन में कौन कौन से इंस्टॉल्ड है। आपके फोन में एक भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं, तो दोस्तों उसे जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल कर दीजिए, गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।